बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस में आप किसी भी कैटेगरी का लेंस ले लो, चाहे आप कन्वेक्स लेंस ले लो, डबल कन्वेक्स ले लो, चाहे प्लेनो कन्वेक्स ले लो, चाहे आप कन्वेक्स वो कनकेव या कनकेव लेंस ले लो, कनकेव वो कन्वेक्स ले लो, तीनों कन्वेक्स की कैटेगरी हैं, तीनों की तीनों कन्वर्जिंग लेंस ही होंगे, चाहे इसके नाम में कनकेव आता हो, पर क्योंकि ये कन्वेक्स की कैटेगरी का लेंस है, इस पर कट नहीं लगा हुआ वो वाला, तो कन्वेक्स लेंस है ये, तो एक कन्वर्जिंग लेंस होगा। पहला पॉइंट क्लियर है, चाहे कैसा भी लेंस होगा, अगर वो कन्वेक्स की कैटेगरी का लेंस है तो कन्वर्जिंग ही होगा, प्रोवाइडेड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से बड़ा हो। तीनों केस में जो लेंस है वो डेंसर है और बाहर की सराउंडिंग रेयरर है, तो ऐसा होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और सराउंडिंग का ज्यादा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और सराउंडिंग का ज्यादा है, तो फिर इसकी नेचर चेंज हो जाएगी और कन्वेक्स कैसे एक्ट करेगा, लाइक कनकेव एक्ट करेगा, तो तीनों के तीनों लेंस उल्टे काम करेंगे, ये डाइवर्जिंग बन जाएंगे। क्यों बनेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ में आपको बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बिहेवियर याद रहेगा, लेंस कन्वर्जिंग, कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स की तरह तब काम करता है जब वो खुद डेंसर हो और बाहर रेयरर हो। अगर वो खुद रेयरर हो गया और बाहर डेंसर हो गया तो वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है यहां तक, कनकेव की भी सेम नेचर है, कनकेव किसी भी कैटेगरी का हो वो डाइवर्जिंग ही है, लेकिन अगर प्रोवाइडेड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से क्या हो, ज्यादा हो। लेकिन अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया सराउंडिंग से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, कन्वर्जिंग की तरह काम करेगा। क्यों बताऊंगा आज, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इसी के अंदर ये जो लेंसेज के बारे में, कन्वेक्स लेंस है, लेजर से बना रखा है, कन्वर्जिंग लेंस है, और ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, रेज एक्चुअल में कैसे जाती हैं, आपके असाइनमेंट में कुछ ऐसी या आपकी बुक्स के अंदर भी ये टर्म होगी, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो उसमें बहुत लंबी थ्योरी गिवन होगी, लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऑप्टिकल सेंटर पूरा एक पेज का पूरा गिवन है, मैंने भी कॉपी कर रखा है, कुछ नहीं करना आपने, इस पूरी कहानी का एक लाइन में खत्म करता हूं, कुछ नहीं पढ़ना आपने। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, पॉइंट नंबर वन, तो वो पूरा जो पैराग्राफ लिख रखा है वो यही बता रहा है इन द एंड कि भैया लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर है, हो गया, तो ये नहीं पढ़ना। दूसरा, उसने ये बता रखा है कि जो लेंस एक्चुअल में होते हैं वो होते हैं मोटे लेंस, थिक लेंस, थिक लेंस, थिक लेंस के अंदर तो प्रॉपर रिफ्रैक्शन दिखती है, ये देखो रे आई, रिफ्रैक्ट हुई और फिर रे चली गई, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो थिन लेंस पढ़ते हैं, पतले लेंस पढ़ते हैं, तो जिसके अंदर हम अंदर की रिफ्रैक्शन शो करते नहीं है, तो क्योंकि हम हमारे सिलेबस में लेंसेज थिन लेंसेज ही हैं, तो थिन लेंसेज में पतले लेंस हैं, तो मैं अंदर की रिफ्रैक्शन शो नहीं करूंगा। कोई ये ना कहे सर रे आ रही है पास ऑप्टिकल सेंटर से करेगी, पर कोई ये ना कहे सर रिफ्रैक्शन करके दिखाओ अंदर, नहीं करूंगा, स्ट्रेट पास करूंगा, क्योंकि ये थिन लेंस है, पतली जगह में इतनी रिफ्रैक्शन शो ही नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? तो होता एक्चुअल में ऐसा है, पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये अजम्पशन बता रहा है ऑप्टिक स्टार्ट करने से पहले। ऐसी कनकेव के अंदर भी वह ऐसी शो करेगा, अंदर की रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? बस इतना सा काम, ठीक।